Hey everyone, welcome to Glam Up. दिव्य दृष्टि की दिव्या यानी नायरा बनर्जी बचपन से ही हर फील्ड में बहुत स्मार्ट रही है। बहुत छोटी सी एज से ही उन्होंने अपनी मदर से क्लासिकल म्यूजिक और गजल्स की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया था और वो बचपन में चाइल्ड सॉन्ग्स में भी अपनी आवाज दे चुकी है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि नायरा ने अपना नेम 2016 में नायरा रखा था। नायरा बनर्जी ने अपना नाम आखिर क्यों बदला और उनकी लाइफ से जुड़े कुछ अनजाने फैक्ट्स जानने के लिए नायरा बनर्जी की इस लाइफ स्टोरी को शुरू से एंड तक जरूर देखें। मुंबई महाराष्ट्र में बॉर्न एंड ब्रॉट अप नायरा बनर्जी का जन्म 14 मई 1987 को एक बंगाली ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनके फादर मैकेनिकल इंजीनियर थे एंड उन्होंने बहुत सालों तक इंडियन नेवी में अपनी सर्विस भी दी थी, लेकिन सैडली वो अब इस दुनिया में नहीं है और नायरा उन्हें बहुत मिस करती है। नायरा की माँ पूर्णिता एके नंदिता बनर्जी वायरोलॉजी फील्ड में एक रिसर्चर थी, साथ ही वो मल्टीनेशनल कंपनीज में एज अ कंटेंट राइटर भी काम किया करती थी। लेटर ऑन वो एक नॉवेलिस्ट बन गई। नायरा का एक यंगर ब्रदर भी है जो उनसे एज में 4 इयर्स छोटा है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कैनोसा कॉन्वेंट हाई स्कूल मुंबई से कम्प्लीट की एंड उन्होंने प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई से अपनी ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट कर रखी है। नायरा बचपन से ही सिंगिंग में तो अच्छी थी ही, साथ ही वो कथक में भी ट्रेनिंग ले चुकी है, लेकिन अपने फादर की ट्रांसफरेबल जॉब की वजह से उन्हें कथक की ट्रेनिंग डिसकंटिन्यू करनी पड़ी। नायरा अपनी आवाज चाइल्ड सॉन्ग्स में दिया करती थी। एक दिन एक सॉन्ग रिकॉर्ड करते टाइम डायरेक्टर जीवी अय्यर ने उन्हें देखा और उसी वक्त उन्होंने नायरा को एक शो कादम्बरी के लिए कास्ट कर लिया था। वो उनसे इतना इंस्पायर हुए थे कि रामायण पर बनने वाली एक मूवी में नायरा को सीता के रोल के लिए भी साइन कर लिया था, लेकिन सैडली अचानक डायरेक्टर जीवी अय्यर की डेथ हो जाने की वजह से उनका मूवी बनाने का वो सपना अधूरा ही रह गया। आगे जाकर 11th स्टैंडर्ड से ही नायरा ने टीवी सीरियल्स में काम करना स्टार्ट कर दिया, साथ ही वो एंकरिंग में पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी। लेकिन अपनी पढ़ाई को हमेशा अपनी प्रायोरिटी में रखने वाली नायरा ने बिग बैनर्स के काफी शोज एंड मूवीज को ठुकरा दिया और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। बट कुछ साल बाद प्रियदर्शन ने नायरा को अपनी एक मूवी में लीड रोल के लिए कन्विंस कर ही लिया, बट ये मूवी उनकी डेब्यू मूवी तो नहीं बन पाई एंड ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई। नायरा की डेब्यू मूवी थी टॉस, जिसमें उन्होंने शायरी के रोल से गेस्ट अपीयरेंस दिया था। उसी साल उन्होंने तेलुगु मूवीज में भी डेब्यू किया, साथ ही उन्होंने तमिल एंड कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में भी जगह बनाई। लेटर ऑन वो काफी सक्सेसफुल तेलुगु मूवीज में नजर आती रही, जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है। 2016 में सनी लियोनी स्टारर वन नाइट स्टैंड मूवी नायरा नाम का किरदार निभाया एंड तभी से उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। वैसे अजहर मूवी में वो एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम कर चुकी है। 2018 में दिल ही तो है शो में नजर आने के बाद नायरा रिसेंटली स्टार प्लस के शो दिव्य दृष्टि में दिव्या का रोल प्ले कर रही है, जिसे काफी पसंद भी किया जा रहा है। वैसे शो में उनके को स्टार करण खुराना के साथ उनके डेटिंग के रूमर्स भी आते रहते हैं, जो सिर्फ रूमर्स ही है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन दोनों बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। वैसे वो अपनी करियर लाइफ में इससे भी बहुत आगे जा चुकी है एंड वो काफी मैगजीन्स के कवर पेजेस पर भी जगह ले चुकी है, जिनमें से ट्यूलिप एंड वुमेन्स एरा कुछ नाम है। 2018 में वो एजे सिंह के एक म्यूजिक वीडियो दिलवर्दा में अपीयरेंस भी दे चुकी है। ये तो हुई उनके करियर की बात। उनके पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो नायरा एक्सट्रीम पैशनेट एंड हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस है। वो डेली मॉर्निंग में जल्दी उठकर अपने गार्डन में योगा एंड मेडिटेशन करती है। वो काफी स्पिरिचुअल भी है, उन्हें भगवान में एक्सट्रीम फेथ है। उन्हें बीचेस इतने पसंद है कि उन्होंने अपना घर भी मुंबई बीच के सामने ही लिया है एंड वो डेली अपनी बालकनी से बीचेस का व्यू देखते हुए ग्रीन टी पीती है। उन्हें टी कॉफी पीना बहुत पसंद है, साथ ही वो एक नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करती है। शूटिंग सेट्स पर वो खुद ही कार ड्राइव करके जाना पसंद करती है। लेट नाइट तक शूटिंग करने के बाद भी वो अपनी नींद कंट्रोल करके मॉर्निंग में जल्दी उठना स्किप नहीं करती। उन्हें नो स्पिन्स का बहुत बड़ा क्रेज है, साथ ही रियल लाइफ में भी वो उतनी ही मस्ती खो रहे जितना वो दिव्य दृष्टि शो में दिखाई गई है। उन्हें देखकर उनकी रियल एज का कोई भी पता नहीं लगा सकता। उनके फेवरेट सिंगर्स है गीता माधुरी, अमिताभ बच्चन उनके फेवरेट एक्टर है। उनका घर बहुत ही डिफरेंट, अट्रैक्टिव एंड प्यारा है। नायरा के फैंस को उनकी टोन ऑफ वॉइस, वे ऑफ टॉकिंग एंड मैच्योरिटी लेवल काफी पसंद आता है एंड वो अपने को स्टार्स के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो नायरा बनर्जी की लाइफ पर। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को
लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। ऐसे और भी सेलिब्रिटीज के वीडियोस आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।